बेअंत कौर लवप्रीत का मसला दिन ब दिन भखता जा रहा है। सोशल मीडिया से वकील भी अगे आ रहे ने, नौजवान भी अगे आ रहे ने, बाहरले देशों तो बैठे यूथ दे वलों पोस्टा पाईया जांदियां ने ते वीडियो दे राही जानकारी दी जा रही है। हाल ही दे विच एक सिंह की वीडियो सोशल मीडिया से बहुत तेजी दे नाल वायरल हुई, जिस दे विच उसने दस्या कि बहुत जल्दी ही असीं पटीशन पा रहे हां ते वकीलां दे नाल गलबात चल रही है। उन्होंने दस्या कि एमपी दे नाल असीं गलबात कीती अते एमपी ने सानू कहा कि तुसीं सानू प्रपोजल दो अते प्रपोजल नूं पार्लीमेंट दे विच रख के एक लॉ पास किया जाएगा। जानकारी दिंदे उन्होंने दस्या कि किस तरह लोग कैनेडा दे विच आके ठगियां मारदे हन अते व्याह दीआं पुरानीआं डेट्स दिखा के वीजे लगवाए जा रहे ने। इस सिंह ने जानकारी दिंदिआं दस्या कि किस तरह तुसीं अपने आप नूं ठगियां तों बचा सकदे हो। पूरी जानकारी लैण लई तुसीं वी सुणो सिंह ने होर की कुछ कहा। हाँ जी, बेअंत कौर के केस दे विच असीं बहुत जल्दी पटीशन शुरू करन जा रहे हां। साडी वकील्स दे नाल ना लॉयर्स दे नाल जिहड़ी मीटिंग आ परसों नूं, ते असीं उत्थे बैठ के यही चीज़ देखनी है, क्योंकि एम पीज़ दे नाल अज मीटिंग सीगी। एम पी दी मीटिंग 'च अज यही निकल के आया कि एम पी कहिंदे सानूं प्रपोजल दो भी किद्दां, मतलब तुसीं चाहुंदे हो राइट। जे एम पी नूं प्रपोजल वधिया लग्गिया तां फिर वो पार्लीमेंट दे विच रखणगे ते आपां लॉ पास करा सकदे हां। सो उहदे विच ना काफ़ी गल्लां निकल के आईआं। तुहानूं पता होगा वी पहलां पहलां ना जदों विआह होण लगे सी ना, विआह करा के आपां लाड़ा लाड़ी नूं लै के आउंदा सीगा जां मुंडा कुड़ी नूं जां कुड़ी मुंडे नूं लै के आउंदी सीगी, उदों प्रॉब्लम्स की आउण लगियां सीगियां वी मुंडे इत्थे उतरदे नहीं सीगे, छड्ड के चले जांदे सीगे किते होर उतर जांदे। जे टोरंटो विआह होया सी वैनकूवर उतर जांदा सी, वैनकूवर वाला टोरंटो उतर जांदा सीगा। फिर उस अब्यूज़ नूं बचाउण लई इन्हां ने की एक नवां कानून लैके आउंदा सीगा, जिहदे विच फिर 2 साल की कंडीशन लाई सी इन्हां ने भी 2 साल मियाँ बीबी नूं इकट्ठे रहना पैणा, तां जिहड़ा बंदा उत्थों इंडिया तों आ रिहा तां उहनूं जिहड़ी परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। वो किसी हद तक कानून सही जी, पर फिर वह अब्यूज़ होने लग गया सी। फिर वॉइस वर्सा, मतलब कहने तो भाव भी जिहड़ियां कुड़ियां वा भी उन्होंने पता सी भी 2 साल ने कितने नहीं जाना, फिर वो उन्होंने गुलाम बना के जिवें स्लेव्स बना के उन्होंने काफ़ी उन्होंने अब्यूज़ होया, सारिआं दा नहीं बहुत सारिआं दा। जिहड़े सही जैनुअन मैरिज हुंदी है जिहदे विच दोहें रूहां मिलियां होण, जिन्हां नूं पता अंडरस्टैंडिंग की हुंदी आ, उन्हां 'च कदे कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी, एडजस्टेबल हुंदे आ, उन्हां नूं फिर 2 साल की सारी उम्र लई बॉन्ड कर लो, उन्हां नूं तां कोई फर्क नहीं पैंदा। पर गल आ वी जिथे कोई मन 'च खोट होवे ना, जिथे पता होवे भी हाँ भी नहीं यार इहने छड्ड जाणा, जां दिमाग 'च कोई ऐसी गल आ जी, उहदे विच उह अब्यूज़ होया सीगा। सो उस तों बाद फिर उह कानून रद्द करना पिया, वो अज भी वह कानून लागू आ भी जे कोई बंदा विआह करा के आउंदा ना इत्थे आके जे कि होर भी चला जाता तो उन्होंने कोई मतलब रोक नहीं सकता। कानून कैनेडा का यह कानून कहता भी जे किसी ने तुम्हें रहना वा हसबेंड वाइफ के नाल तो दैट्स ओके, जे नहीं रहना चाहता तो उसकी मर्जी आ। सो वह जिहड़ा कानून अब्यूज़ होया सी, हुण उसे तरह ही हुण ये जिहड़े इंडिया तो रिश्ते होंदे आ, एक मैं कहूँगा सौदेबाजी होंदी आ ना ज़्यादातर, जिहड़ी सौदेबाजी होंदी उहनूं रुकनी चाहीदी आ। हुण रुकूगी किवें, जां तां अपने बंदे रोकण, जिहड़े बंदे आ उन्होंने तो रोकने नहीं, हुण सरकारां दी जिहड़ी ड्यूटी बन जांदी है वी एक कानून कोई इस तरह का लियाया जाए जिहदे विच उह अब्यूज़ ना होवे। सो उहदे विच सब तो पहली गल ये आई है भी जां तां इह जिहड़ियां स्टूडेंट्स आ जां आपां कह लईए वर्करस आ, इन्हां दे स्पाउस दे वीज़े ही बंद कर दित्ते जाण, ते उहदे नाल फिर जिहड़े चंगे आ जां मतलब जिहड़े सही आ उहनां दा वी नुकसान होऊगा। ते इहो जिहा कोई रस्ता नहीं हो सकता भी हाँ भी एक ने अब्यूज़ किया, दो ने किया, दो लई कानून लग, तीन लई लग, चार लई लग, फिर इस तरह का अदालतां जिहड़ियां उह भर जाणगियां है ना। ये एम पी जी का सुझाव सीगा, वो कहिंदे भी कोई ऐसा सुझाव लैके आओ जिहदे नाल कानून भी पास हो जाए, कहिंदे सप्प भी मर जाए तो लाठी भी ना टुटे। हुण तुसीं इस चीज़ के सुझाव इस कमेंट बॉक्स 'च देने आ।